नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज हम जा रहे हैं गुलाबी नगरी जयपुर से पश्चिम की काशी भरतपुर में। एक शानदार पक्षी विहार के लिए सबसे बेहतरीन समय माना जाता है सर्दी का मौसम। तो इस फोगी मौसम में हम सवेरे सवेरे पहुंचे भरतपुर और कुछ इस तरह से प्रारंभ किया हमने हमारा पक्षी विहार। हम इसरो जल्दी उठे और भरतपुर के पक्षी अभयारण्य के गेट नंबर 1 से, जो अभी आप गेट देख रहे हैं, गेट नंबर 2 तक हम हमारी पर्सनल कार से पहुंचे। वहां हमने ये गवर्नमेंट व्हीकल किया। क्या ही शानदार नजारा था, चारों तरफ फोग ही फोग। आखिर सर्दियों का मौसम ही सबसे बेहतरीन माना जाता है एक पक्षी विहार के लिए। और हमने ये डिसाइड किया कि हम सवेरे इस फोगी मौसम में और उसके बाद धुंध छटने पर दोपहर में और आखिरकार शाम तक बने रहेंगे भारत के इस सबसे बेहतरीन राष्ट्रीय उद्यान में। तो आइए दोस्तों, आप भी आनंद लीजिए हमारे साथ इस पक्षी विहार का, जहां हमने देखे दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षी, रंग बिरंगे स्टॉक्स और हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके आने वाली प्यारे खूबसूरत डक्स। सर ये लास्ट है, एक यहाँ पे मचान बनता है, सर वहाँ पे भी जाके आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। एक आगे जाके सर लेफ्ट में एक रास्ता है, एक स्वर्ग सी अनुभूति, पक्षियों की कलरव चारों ओर सुनाई दे रही थी। फिर शुरुआत हुई उस स्पॉट को ढूंढने की, जहां से हम कैद कर सके इन खूबसूरत पलों को हमारे दर्शकों के लिए। और फिर दिखाई दिए कुछ फोटोग्राफर बंधु, जो टकटकी लगाकर आनंद ले रहे थे इन खूबसूरत पलों का। शाखों से उड़कर धुंध में ओझल होते पक्षी, पानी में कलरव करते पक्षी, शाख पर बैठा एक पाइड किंग फिशर, जो जाना जाता है हेलीकॉप्टर की तरह आसमान में स्थिर उड़ान के लिए। धुंध की चादर उठे छिपा वाइट आइबिस कुछ यूं दिखाई पड़ जाए तो मन मोह लेता है। चारों ओर धुंध की इस सफेद चादर में श्याम वर्ण का ओरिएंटल डार्टर अत्यंत मोहक लगता है, और ऐसे में यदि श्वेत वर्ण का व्हाइट आइबिस भी साथ हो तो दृश्य अत्यंत मनमोहक उठता है। काले और सफेद दोनों रंगों को समाहित करने वाली ऊंटों की कलर, पानी में कुछ यूं उछल होती कोरमोर, और ऐसे में अचानक ही कहीं दिखलाई पड़ जाए रेनडियर तो पूरा दिन बन पड़ता है। मित्रों, श्वेत वर्ण के बगुले तो आपने अक्सर देखे होंगे, लेकिन केवला देव के ये धूसर वर्ण के बगुले मन मोह लेते हैं। Thank you.
कभी यह क्षेत्र पक्षियों के शिकार के लिए कुख्यात था। यहाँ उन पक्षियों का वर्णन है जो अंग्रेज अफसरों द्वारा मारे गए। सुखद तथ्य यह है कि आज यह क्षेत्र संरक्षित है और केरला देव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से विख्यात है। दो कुशल तैराकों की जोड़ी। व्हाइट आइबिस भारत में पाए जाने के कारण इसे ओरिएंटल आइबिस या इंडियन व्हाइट आइबिस के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत भाषा में इसे सराटिका के नाम से जाना जाता है। सर अर्थात सरोवर और अट अर्थात भ्रमण करने वाला। आकार के आधार पर एग्रेट्स को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है, ग्रेट एग्रेट, मीडियम एग्रेट और लिटिल एग्रेट। पक्षी अभयारण्य 29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जिसके विभिन्न क्षेत्रों में आप विभिन्न प्रकार के पक्षियों को सहज ही देख सकते हैं। नाव पर बैठे इस अंधे बुगले के पीछे देखिए कि कैसे एक टार्टर कलाबाजी करके मछलियों को खाता है। कॉर्मोरेंट उड़ान भरते वक्त और उतरते वक्त कुछ इस तरह से ही जल पे चलते हैं। हेलर बर्ड एक कुशल दर्जी की तरह दो पत्तों को कुशलता से सिलकर अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। लिटिल ग्रेवी जिसे हिंदी भाषा में पनडुब्बी के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही है किसी इंसान के पैरों की आवाज सुनती है पानी में डुबकी लगाती है और बहुत दूर जाकर निकलती है। इसे अक्सर अपने बच्चों को अपनी पीठ पर सवारी करते हुए भी देखा गया है। ये आम तौर पर उड़ान नहीं भरती, लेकिन जब किसी जोगड़ में पानी सूख जाता है तो उड़कर अपनी जगह बदल देती है। पानी में बने छोटे टापू पर बैठी कॉर्मोरेंट्स की दो जातियां। विश्व में सबसे ऊंची उड़ान भरने वाली गूज भारत में हिमालय से भी ऊंची उड़ान भरकर आते हैं। गूज के साथ पानी में डुबकी लगाते नॉर्दर्न पिनटेल्स। धार सीटी की चोंच वाला ग्लोसी आइबिस और चम्मच के आकार की चोंच वाला स्पून बीन। यूं तो ये भी व्हाइट आइबिस की तरह विशाल सफेद पक्षी हैं, लेकिन इनकी लंबी चोंच आगे से चिमटे की तरह चपटी होती है। हालांकि भरतपुर पक्षी अभयारण्य आने वाले लोगों की पहली पसंद होती है पेंटर स्ट्रोक देखना। यह सारस भी पेंटर स्ट्रोक की तरह कोई कमतर खूबसूरत नहीं,
लेकिन इस सीजन में इस काली गर्दन वाले सारस ब्लैक नेक स्ट्रोक का केवल एक ही जोड़ा था। बगुले की विभिन्न प्रजातियों में यह सबसे खूबसूरत बगुला है, पर्पल हेरन। पक्षी अभयारण्य में बगुलों की नाना प्रकृति की प्रजातियां विद्यमान है। यह सलेटी बगुला भी अत्यंत मोहक और आकर्षक है। चोंच से अपने पंखों को साफ करती इस रंग बिरंगी डक का नाम है नॉर्दर्न शेवलर, जो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके भारत पहुंचती है। सच मानिए, जैसे जैसे धुंध छटती गई, पक्षी और भी आकर्षक और मोहक होते चले गए। जैसा कि हमने पहले बताया, जल काग की तरह दिखने वाला यह रंग बिरंगा पक्षी है ओरिएंटल डार्टर। इसे स्नेक बर्ड, हिंदी में सर्प गृहा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब यह पानी में तैरता है तो अपना पूरा शरीर पानी में रखता है और केवल इसकी चोंच ही पानी से बाहर रहती है। जलाशय के इस किनारे पर बैठे ग्रे हेरन, ओरिएंटल डार्टर, कॉर्मोरेंट और जलाशय के दूसरी ओर विचरण करती प्यारी नन्ही लिटिल ग्रेविट। ग्रे हेरन सारस जैसा दिखाई देने वाला ये विशालकाय बगुला तलेटी तथा सफेद रंग का होता है। इसका सिर और गर्दन सफेद होती है और गर्दन पर चौड़ी काली पट्टी पाई जाती है, जो आंख से लेकर काली शिका तक फैली होती है। शरीर और पंख भूरे रंग के हैं, नीचे के हिस्से भूरे सफेद हैं, पाशरो भाग काला होता है। लंबी नुकीली चोंच गुलाबी पीली होती है और पैर भूरे रंग के होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके शिकारी कौशल के कारण मध्यकाल में इसका उपयोग शिकारियों द्वारा भी प्रशिक्षण देकर किया जाता था। इस नाम के कई विख्यात होटल भी भारत में हैं। भारत में कई प्रकार के आइबिस पाए जाते हैं, मसलन रेड नेक आइबिस, ग्लोसी आइबिस। इस वाइट आइबिस की गर्दन काली होने के कारण इसे ब्लैक नेक आइबिस के नाम से भी जाना जाता है। लाल टोपीदार रेड नेप आइबिस की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार रिव्यू जरूर कीजिएगा। डार्टर की मछली खाने की कलाबाजियां। कॉर्मोरेंट्स की प्रातःकाल की अटखेलियां। पैराशूट की तरह लैंड करते कॉर्मोरेंट्स, पनडुब्बी की तरह डुबकियां लगाते कॉर्मोरेंट्स। टार्टर जिसे स्नेक बर्ड कहा जाता है, कॉर्मोरेंट जिसे जल काग के नाम से जाना जाता है, वस्तुतः देखने में एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, लेकिन टार्टर एक बहुरंगी पक्षी है जो खुद में विभिन्न रंगों को समाहित किए हुए हैं। ये दोनों ही पक्षी धूप में अपने पंखों को कुछ इस तरह से सुखाते हैं।
इंडियन स्पोर्टेड ईगल भरतपुर की शान रंग बिरंगे पेंटेड स्टोन कॉर्मोरेंट की अगुवाई करती पार हेडेड गूस पानी में विचरण करती है गूस हिमालय की चोटियों से भी ऊपर उड़ान भरने की क्षमता रखती हैं जहां इतनी सर्दी पड़ती है कि मांस तक जम जाए और ऑक्सीजन का स्तर इतना कम होता है कि एक केरोसिन का दिया तक न जले जहां हेलीकॉप्टर तक नहीं उड़ सकता वहां भी ये उड़ने की क्षमता रखती हैं क्योंकि इनके रक्त में ऐसा हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को बड़ी तेजी से अवशोषित करता है ये गूस एक दिन में 1500 किलोमीटर तक की यात्रा तय कर सकती हैं और रसिया से हिमालय की ऊंची चोटियों को लांघते हुए भारत पहुंचती हैं और सर्दियां यहीं बिताती हैं सिर पर दो काली रेखाएं होने के कारण इन्हें बार हेडेड गूस के नाम से जाना जाता है साख पर उड़कर बैठा एक पौंड हेरोन इसे हिंदी भाषा में अंधा बगुला भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए नहीं है कि ये बिल्कुल अंधा होता है बल्कि इसकी नज़दीक की आईसाइट काफ़ी कमज़ोर होती है और अब हम हमारी यात्रा के दूसरी पड़ाव की ओर थे धुंध धीरे धीरे छटती जा रही थी और दृश्य पहले से अधिक बेहतर विजिबल हो रहे थे अब समय हो रहा था कुछ खाने का और एक गर्मा गर्म चाय पीने का तो हमने रुक किया टी शॉप की ओर दोस्तों भले ही यह सेंचुरी मात्र 35 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हो लेकिन यहाँ बसेरा करते हैं सैकड़ों पक्षी और जिनके लिए यह जगह किसी जन्नत से कम है और चाय का जायका लेने के बाद हम पहुंचे अभ्यारण के बिल्कुल मिडल स्पॉट पर और इस स्पॉट पर बसेरा करते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत सारस पेंटेड स्टॉर्क इस फोटोज में आप देख सकते हैं पेंटेड स्टॉर्क के घोंसले और उन पर बैठे पेंटेड स्टॉर्क के क्यूट बच्चे ऐसा माना जाता है कि ये घोंसले 2 या 3 साल तक बच्चों की परवरिश में पेंटेड स्टॉर्क द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं धूप सेकते पेंटेड स्टॉर्क के बच्चे यह भी मान्यता है कि ये पक्षी बुढ़ापे में अपने माँ बाप की भी सेवा करते हैं यूनानियों का मानना था कि इस सारस को मारने वाले को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि किस तरह से एक मादा सारस अपने बच्चों के लिए अपने पेट में मछलियां भरकर लाती है और फिर एक एक करके उन मछलियों को अपनी चोंच से बाहर निकालती है और अपने बच्चों को फीड करती है इंडियन स्पॉटेड ईगल इसके शरीर पर वाइट कलर के स्पॉट पाए जाते हैं इसी कारण से इसे यह नाम दिया गया है भारत में इसी तरह के दो अन्य बाज लेजर स्पॉटेड ईगल और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल भी पाए जाते हैं दूसरी ओर पेंटर स्ट्रोक के बच्चे भोजन के लिए मदर पेंटर स्ट्रोक का इंतजार करते हुए दोस्तों आपने सारस और लोमड़ी की कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें एक सारस को एक लोमड़ी घर पर आमंत्रित करती है और एक खुले बर्तन में सूप देती है जिसे सारस पी नहीं सकता और बदले में सारस उसे रात के खाने के लिए बुलाता है और एक संकीर्ण जग में भोजन देता है ताकि लोमड़ी भी उसे पी न सके सारस को ऐसे ही क्षेत्र में अपने घोंसले बनाते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं ऐसे वातावरण के कारण इन सारस को जंगली जानवरों का खतरा नहीं रहता
मिस्टर स्ट्रॉक अपनी तीखी और लंबी चोंच से अपने बच्चों के लिए पानी में मछलियां ढूंढते हुए दूसरी ओर चम्मच जैसे आकार की चम्मच वाली स्पून बिल अपने बच्चों के लिए मछलियां ढूंढते हुए। यह भी एक प्रवासी पक्षी है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रतिदिन 3000 किलोमीटर तय करके उत्तरी ठंडे इलाकों से हर वर्ष सर्दियों में भारत पहुंचते हैं। ओरिएंटल डार्टर उड़ान भरते हुए अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में। यह भी पेंटर स्ट्रोक की तरह एक सारस पक्षी है। इसके गर्दन काली होने के कारण इसे ब्लैक नेक स्ट्रोक कहा जाता है। पूरे अभयारण्य में इस पक्षी का केवल एक ही जोड़ा था। यह पक्षी भी पेंटर स्ट्रोक की तरह ऊंचे घोंसलों पर अपना घर बनाता है। पेंटर स्ट्रोक गहरे पानी में अपनी चोंच डुबोकर और अपने पैरों से पानी की तलहटी में हलचल उत्पन्न करती है। कुछ इस तरह से यह मछलियों को एक एक करके अपनी चोंच से पेट में भरती है ताकि खूब सारी मछलियां एक ही बार में यह अपने बच्चों के पास ले जा सके। रे हेरन धूप सेकते हुए धूप से बिलकते पेंटर स्ट्रोक के बच्चे। मित्रों, पेंटर स्ट्रोक सारस परिवार का एक काफी बड़ा पक्षी है। इसे हिंदी भाषा में जांघिल, कठ सारंग, चित्रित महाबक इत्यादि नामों से जाना जाता है। सारस की सभी 20 प्रजातियों का मूल्यांकन IUCN द्वारा किया गया है और उन्हें रेड लिस्ट का दर्जा प्राप्त है। मिट्टी में छिपी हुई मछलियों को अपने पैरों से बाहर निकालते हुए बच्चों की मदर अभी तक नहीं आई है और नन्हे पेंटर स्ट्रोक की सब्र की सीमा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। जब पेंटर स्ट्रोक के बच्चे भूखे होते हैं तो ये अत्यंत विचलित हो जाते हैं। आखिरकार एक मादा सारस अपने बच्चों की ओर उड़ान भरते हुए शिशु सारस अपनी माता से भोजन के लिए गुहार करता हुआ दूसरी ओर एक नन्हे शिशुओं का जोड़ा अभी भी अपने माता पिता की भोजन के लिए बाट जो रहा है। पास में ही धूप निकलते ही नील गायों का परिवार भी घास चरने के लिए बाहर आ गया है। ऐसा लगता है कि इस पेंटर स्ट्रोक फैमिली को अभी भी खाने की कोई भी जल्दबाजी नहीं है। पेंटर स्ट्रोक कुछ इस तरह से अपने घुटनों को आगे की ओर मोड़कर बैठता है। इन शिशुओं की भूख अभी तक शांत नहीं हुई है। देर सवेर ये बच्चे भी भूख से बिलबिलाएंगे। ग्रे हेरन के बिल्कुल पास से नील गाय का एक परिवार भोजन की तलाश में आगे बढ़ते हुए और ग्रे हेरन उन्हें उत्सुकता पूर्वक देखते हुए। इन शिशुओं की भूख अब धीरे धीरे अशांत हो रही। उधर पेंटर स्ट्रोक का इंतजार करते करते वक्त हो गया है और बेसब्री बढ़ती जा रही है। एक बेबी पेंटर स्ट्रोक थक हार कर बैठ गया। वहीं दूसरे बेबी पेंटर स्ट्रोक ने घोंसले से नीचे जाने का फैसला किया। मदर सारस अभी भी कहीं मछलियों की तलाश कर रही है। इस उतावले सारस बच्चे ने खुद ही मछलियों की तलाश शुरू कर दी। बेबी पेंटर स्ट्रोक और ग्रे हेरन की जोड़ी धूप निकलते ही एक छोटे टापू पर विश्राम करता पोंड हेरन। चीतल का यह नन्ना बच्चा भी अब इतना बड़ा हो गया है कि
अपनी माता चीतल से कहीं दूर निकल आया। ऐ कल्पनीय अद्भुत पानी से घिरे ऐसे सुरक्षित टापू पक्षियों और जानवरों को जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। माना कि इस संरक्षित क्षेत्र का यह जल से घिरा वातावरण नन्हे पशुओं और पक्षियों को सुरक्षा का आवरण प्रदान करता है, लेकिन एक माता का मन आखिर कहाँ मानता है। और शिशु चीतल को ढूंढते ढूंढते माता चीतल आखिर पहुंच ही गई। चीतल की स्वर्णमयी काया पर फैले ये चटकदार सफेद धब्बे चांदी की तरह चमकते हैं। इसी कारण से भारत का यह हिरण पूरी दुनिया में इंडियन स्पॉटेड डियर के नाम से विख्यात है। शिशु चीतल अपनी माता के साथ उमंग से घास चर रहा है, वहीं दूसरी ओर बेबी पेंटर स्टॉक का धैर्य समाप्ति की ओर है। घोंसले से उतरा नन्ना पेंटर स्ट्रोक अभी इतना व्यस्क नहीं है कि शिशु चीतल की तरह खुद भोजन का प्रबंध कर पाए। मित्रों, इंडियन स्पॉटेड डियर की भांति इंडियन स्पॉटेड ईगल की पहचान भी उसके शरीर पर पाए जाने वाले ये सफेद बड़े बड़े धब्बे हैं। ऐसा लग रहा है मानो शिखर पर बैठा यह ईगल भरतपुर पक्षी विहार के इन सभी रमणीय दृश्यों का आनंद ले रहा हो। शिशु चीतल और ग्रे हेरन अपना भोजन करने में व्यस्त हैं, वहीं असहाय पेंटर स्ट्रोक के बेबीज टकटकी लगाकर उन्हें देख रहे हैं। आखिरकार अभी तक उनकी माता भोजन लेकर नहीं आई है। बैंगनी रंग का यह पक्षी नीली जल मुर्गी या नीली कीच मुर्गी के नाम से जाना जाता है। देखिए किस तरह से यह पक्षी घास को एक खरगोश की तरह कतर कतर कर खा रहा है। धातु जैसे पंखों वाला यह पक्षी जैकाना फैमिली का एक सदस्य है और ब्रॉन्ज कलर के विंग होने के कारण इसे ब्रॉन्ज विंग जैकाना कहा जाता है। हिंदी में इसका नाम जल मखानी है। लंबे पैर और पंजों की विशिष्ट संरचना के कारण यह बड़ी आसानी से लिली के पत्तों पर चल सकता है। जैकाना की भांति नीली जल मुर्गी के पैर भी लंबे और पंजे फैलाव लिए होते हैं, इसलिए ये भी पत्तों पर विचरण कर सकते हैं। और आखिरकार हमें वह क्षण देखने को मिल ही गया। मादा पेंटर स्टोक पेट भरकर मछलियां लाती है और वोमिट करते हुए अपनी चोंच के रास्ते से मछलियां एक एक करके बाहर निकालती हैं। इस प्रक्रिया में मछलियां चोरी हो जाने का खतरा अन्य पक्षियों के शिशुओं से भी रहता है, इसलिए मादा सारस वोमिटिंग करने से पहले अन्य शिशुओं के बच्चों को एक एक करके उस जगह से हटा देती है। बच्चों की चिलचिलाहट में बार हेडेड गूज घास खाने में व्यस्त हैं। शिशु सारसों ने घंटों भोजन के लिए प्रतीक्षा की है और अब उनकी भूख के लिए तिलमिलाहट बढ़ती जा रही है। मादा सारस ने भापा कि अब आसपास किसी अन्य पक्षी के शिशु से कोई खतरा नहीं है,
क्योंकि वह एक एक करके सबको वहां से हटा चुकी है और अब समय है फीडिंग का। चरम पर थी और हम पैदल यात्रा करके काफी थक चुके थे, तो हमने फोटो किया। एक जगह पर काफी फोटोग्राफर बंधु उसी दृश्य को कैमरा में कैद करना चाह रहे थे। जी हाँ, पेंटस्ट्रोक का फीडिंग दृश्य, और हमारे लिए भी एक और अवसर था कि हम इस अद्भुत दृश्य को एक बार फिर से शूट कर सके। इस बार मादा पेंटर स्ट्रोक को अन्य पेंटर स्ट्रोक के बच्चों से खतरा था। देखिए किस तरह से एक मादा पेंटर स्ट्रोक ने अन्य शिशु पेंटर स्ट्रोक को वहां से हटने को मजबूर किया। पीछे आप रूडी शेल्डर देख सकते हैं। खतरा ग्रे हेरन से भी है। शिशु सारस मछलियां एकत्रित करने की प्रक्रिया की कठिनता और मछलियां चोरी होने के खतरों से अनजान है। ऐसा माना जाता है कि पेंटस्ट्रोक बुढ़ापे में अपने वृद्ध माता पिता की भी सेवा करते हैं। आज यह भूख से तिलमिला रहा पेंटस्ट्रोक भविष्य में अपनी इस वृद्ध हो चुकी माता की देखभाल करेगा। तीसरी पड़ाव की ओर थे। सवेरे सवेरे फॉगी एनवायरनमेंट में और दोपहर में फिल्मांकन करने के बाद अब समय था दुनिया की सबसे रंग बिरंगी डक्स का फिल्मांकन करने का। इंडियन स्पॉट बिल डक। इस डक का ऐसा नामांकन इस डक की चोंच का आगे का हिस्सा पीला होने और चोंच के शुरुआती हिस्से पर एक लाल रंग का स्पॉट होने के कारण पड़ा है। इस फुटेज में आप इंडियन स्पॉट बिल डक को उसके क्यूट डकलिंग्स के साथ देख सकते हैं। मित्रों, मूलतः डक्स दो प्रकार की होती हैं, डबलिंग डक्स और डाइविंग डक्स। डाइविंग डक्स पानी में गहरे डाइव कर सकती हैं, वहीं दूसरी ओर डबलिंग डक्स गहरे पानी में डाइव नहीं करती लेकिन उड़ने में काफी महारत रखती है। इंडियन स्पॉट बिल डक डबलिंग डक्स की श्रेणी में आती है। सुरखाब के पर लगे होना, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। यह बतख है सुरखाब। इस बतख का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद और कालिदास कबीरदास द्वारा भी किया गया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सुंदरतम पक्षी अपने जीवन में केवल एक ही साथी के साथ जोड़ा बनाती है। यह बतख प्रसिद्ध है दाम्पत्य जीवन में निष्ठा और अपनी सुंदरता के लिए। इनके जोड़े को चकवा चकवी भी कहा जाता है।
चकवाचकवी दिन भर एक साथ रहते हैं और रात को जुदा हो जाते हैं। इसी जुदाई के कारण कालिदास द्वारा इनका उल्लेख अभिज्ञान शकुंतलम में भी किया गया है। मित्रों, गोल्डन डक सुरखाब भी एक प्रवासी पक्षी है। इस चलचित्र में आप सुरखाब के साथ गढ़वाल डक को देख सकते हैं, जो कि सुरखाब की ही तरह 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1000 किलोमीटर प्रति दिन तय करके रशिया के ठंडे इलाकों से हर वर्ष भारत में सर्दियां बिताने पहुंचती है। गढ़वाल नर सलेटी एवं मादा भूरे रंग की होती है। नॉर्दर्न शॉवलर, इनकी चोंच हरे रंग की होती है। उत्तरी ठंडे इलाकों से भारत में प्रवास करने एवं चोंच फावड़े जैसी होने के कारण इन्हें नॉर्दर्न शॉवलर कहा जाता है। भारत में यह शीतकालीन पर्यटक पक्षी हिमालय के ऊपर से कठिन अविश्वसनीय यात्रा तय करके पहुंचते हैं। गढ़वाल दंपत्ति और नॉर्दर्न शॉवलर दंपत्ति एक साथ, बाएं गढ़वाल मादा, दाएं नॉर्दर्न शॉवलर। मादा गढ़वाल की चोंच तीखी होती है, जबकि मादा शॉवलर की चोंच सपाट होती है। ये दोनों भी सुरखाब की तरह डबलिंग डक्स हैं और पानी में सिर उल्टा करके मछलियां खाते हैं। मित्रों, अभयारण्य में ढेरों प्रवासी पक्षी आते हैं। उन्हीं प्रवासी पक्षियों में से एक है नॉर्दर्न पिनटेल। इसे ऐसा इसकी पिन जैसी टेल के कारण कहा जाता है। यह भी एक डबलिंग डक है। आप इसे पानी में अंदर डुबकी लगाकर मछलियां खाते देख सकते हैं। यही एक डबलिंग डक की खासियत है। यह गहरे पानी में नहीं तैर सकती, लेकिन चलने और उड़ने में इसे महारत हासिल होती है। यह 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रतिदिन 3000 किलोमीटर तय करके भारत में प्रवास कर पहुंचती है। मादा अन्य डक मादाओं की तरह भूरे रंग की होती है, ग्रीन विंग्ड टील। यह टील भी एक प्रवासी पक्षी है। इसकी पहचान इसकी आंख के पास हरा अर्ध चंद्राकार स्पॉट है। गूस की गर्दन डक की अपेक्षा लंबी होती है। यह गूस है ग्रे लेग गूस, जो कि बार हेडेड गूस की तरह ही भारत में एक शीतकालीन प्रवासी है। एक टांग पर निद्रा मगन व्हाइट आई भी। और ये हैं टैक्सी ड्राइवर जीतू, जिन्होंने सेंचुरी और बर्ड्स के बारे में हमारा काफी मार्गदर्शन किया। हिंसक जानवरों का खतरा न होने के कारण पक्षी विहार टाइगर सफारी के मुकाबले एक अलग अनुभव देता है। आप यहाँ पैदल या साइकिल से भी पक्षी विहार का आनंद ले सकते हैं। सांझ ढलने को थी और हमारा पक्षी विहार अपने अंतिम पड़ाव पर था। यूं तो अभ्यारण में ज़्यादा कुछ खाने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ दो टी स्टॉल हैं जहाँ से आप फास्ट फूड ले सकते हैं, और हमने ऑर्डर किया एक पिज़्ज़ा। विजिबिलिटी कम हो रही थी और बहुत से फोटोग्राफर बंधु लौट रहे थे, लेकिन हमारे लिए एक दृश्य का फिल्मांकन शेष था, और वो था ओरिएंटल डार्टर द्वारा कलाबाजियां करते हुए हवा में मछलियां उछाल कर खाना। डार्टर को सर्प गृहा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह तैरते वक्त अपना पूरा शरीर पानी में रखता है और सांप की तरह केवल इसकी गर्दन पानी से बाहर रहती है। मित्रों, प्रवासी डेबलिंग डक की भांति यह सीधी हवा में उड़ान नहीं भर सकता, बल्कि डाइविंग डक्स की तरह पहले इसे पानी पर दौड़ लगानी पड़ती है, जैसे कि एक एरोप्लेन रनवे पर दौड़ता है। ओरिएंटल डार्टर टेक ऑफ कर चुका था और हमें हमारा एक्सपेक्टेड दृश्य अभी तक नहीं मिला था, तो हमने कुछ देर और इंतजार किया और हमें एक और ओरिएंटल डार्टर मिला और आखिरकार हमें हमारा मनवांछित दृश्य मिल ही गया। हर हर महादेव। मित्रों, यही वह 350 वर्ष पुराना
प्राचीनतम मंदिर है जिनके नाम पर इस अभ्यारण का नाम केवला देव पक्षी अभ्यारण रखा गया। मान्यता है कि एक केले के वृक्ष के पास दुधारू गाय स्वतः ही दूध दिया करती थी, जहां खुदाई करने पर केवला देव महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर प्रांगण से बाहर आते ही एक ऊंची मचान एवं कुछ छतरियां बनी हुई हैं। ऐसी ही छतरियों के नीचे कुछ टोर्टोइज के सेल पड़े थे। ऐसे ही कुछ सेल हमें तब मिले थे जब हम पैदल अभ्यारण्य में घूम रहे थे। इस बार हमने हमारे 360 डिग्री कैमरा से इन सेल्स के भीतर के दृश्यों को शूट किया। जैसे ही महादेव के दर्शन करने के उपरांत हम मंदिर प्रांगण से बाहर आए, हमें मिली वृक्षों पर शीर्षासन करती ये भारतीय उड़न लोमड़ियां, जो दिन भर यूं ही उल्टा लटकी रहती हैं और रात के समय फलों का सेवन करती हैं और फूलों से उनका रस पीती हैं। इसी कारण कुछ भारतीय किसान इन्हें कीड़ा समझते हैं, क्योंकि ये उनकी फसलों को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन मित्रों, ये ना तो पक्षी हैं और ना ही कोई कीड़ा, बल्कि ये मेमल्स की श्रेणी में आती हैं। केवला देव का यह मंदिर अभ्यारण्य के अंतिम छोर पर है और इसी अंतिम छोर पर है एक ऊंचा मचान। मंदिर के पास ही चाय की कैंटीन स्थित है, जहां हमने पिज्जा ऑर्डर किया था। तो जब तक पिज्जा तैयार होकर आता है, चलिए रुक करते हैं मचान की ओर। मजबूत कंक्रीट और लोहे से बनी यह मचान चारों ओर से पानी से घिरी हुई है। भले ही यह मचान अभ्यारण्य के अंतिम छोर पर हो, लेकिन आप यहां से संपूर्ण अभ्यारण्य के विहंगम दृश्य देख सकते हैं। 2 से 3 मंजिला ऊंची होने के कारण अभ्यारण्य का चारों ओर का नजारा यहां से दिखलाई पड़ता है। ऐसे बहुत से दुर्लभतम पक्षी जो अन्य जगहों से पेड़ों की ओट के कारण दिखाई नहीं पड़ते, उनको भी आप यहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सांभर, इसके ये शानदार सींग जीवन में कई बार झड़ते हैं। सींग केवल नर सांभर में पाए जाते हैं। इस फुटेज में आप 2 नर सांभरों को झगड़ते हुए देख सकते हैं। नर और मादा, ना तो यह नीला है ना ही गाय, परंतु यह हिरण नील गाय कहलाता है। यह अत्यंत ही शक्तिशाली लेकिन भीरु हिरण है। आगे से ऊंचा व पीठ नीची होने के कारण यह अन्य हिरणों के समान तेज नहीं दौड़ सकता और आसानी से जंगली जानवरों का शिकार हो जाता है। सींग केवल नर नीलगाय में पाए जाते हैं। एक मादा नीलगाय नीली जल मुर्गियों के साथ। नीली जल मुर्गी और कूट, स्वाम्प हैन यानी कीचड़ में रहने वाली मुर्गी, लेकिन भरतपुर में यह स्वच्छ जल में निवास करती है। चेहरे पर डकैतों जैसे मास्क वाली श्राइक। मित्रों, अभ्यारण्य में बाज की भी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। इंडियन स्पॉटेड ईगल, सांपों का जानी दुश्मन क्रेस्टेड सरपेंट ईगल। ब्लैक ईगल, ईगल्स में यह सबसे खतरनाक माना जाता है। इसकी एक आहट मात्र से सभी पक्षियों में खलबली मच जाती है। आखिरकार हमारा पिज्जा डिलीवर हुआ और इससे पहले कि हम खाना शुरू करते, हमारे ऊपर से उड़ान भरी एक पेंटेड स्ट्रोक ने और मन अत्यंत प्रफुल्ल हो उठा। शानदार बढ़ गया, आओ पिज्जा ले लो, अब थोड़ी पेट पूजा हमारी भी हो जाए। कॉर्मोरेंट ने खूब फिशेस खाई हैं, तो एक पिज्जा तो हमारा भी बनता है। बस ध्यान यहाँ रखने वाली बात ये है कि कुछ भी बाहर नहीं डालना, डस्टबिन में डालना। तो इसको नीचे
कॉर्मोरेंट की फिश पार्टी और हमारी पिज्जा पार्टी, आप भी आनंद लीजिए। आना अभी शुरू ही किया था कि साथ देने पहुंची एक वाइट ईयर बुलबुल और सामने एक और मेहमान भी थी, रेड वेंटेड बुलबुल। देखते हैं कि इन दोनों में से खाना आखिर किसे नसीब होता है। पिज्जा जुट्ठा हो गया, हमारा पिज्जे का सेवन करने बुलबुल भी आई है। एक छोटा सा पीस नहीं आ रहा है, देखें ले जा ले जा ले जा। और आज की विजेता रही रेड वेंटेड बुलबुल, इंडियन स्पॉटेड ईगल के पास से उड़ान भरते कॉर्मोरेंट्स। और यह रंग बिरंगा कबूतर है ग्रीन पीजन। ऐसा माना जाता है कि यह हमेशा शाखों पर ही रहता है और कभी जमीन पर नहीं बैठता। ग्लोसी आइबिस। हाल ही में इस पक्षी को पीएम मोदी जी के आवास से बेहोशी के हालात में बचाया गया था। शाख पर बैठे दो नन्हे छोटे स्पॉटेड आउलेट्स। मित्रों, अब समय था भरतपुर पक्षी अभयारण्य से विदाई लेने का, लेकिन अचानक ही ऐसा कुछ हुआ कि हमारे पांव थम गए और अचानक एक युवा पेंटर स्ट्रोक हमारी टैक्सी के आगे से गुजरा। यूं लगा मानो अभयारण्य के पक्षी ना चाहते हों कि हम जाएं, और ये युवा पेंटर स्ट्रोक हमें एक उल्लासमय विदाई देने आया हो। हम भी ऐसे सुनहरे पलों को कैसे जाने देते, और हमने रुककर कुछ फोटोज लिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको भरतपुर पक्षी अभयारण्य पर बनाई गई हमारी यह इन्वेंट्री, जो कि तीन भागों में थी, प्रातःकाल, दोपहर और सायंकाल, पसंद आई होगी। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए बने रहे बर्ड्स इंडिया के साथ। धन्यवाद। Thank you.